मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मैंने प्रयास किया कि हर बेटी की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी जानते हैं 100% कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु महिला आयोग को इस बात की खुशी है कि आयोग की पूरी टीम ने मेरे साथ जुड़कर 97% कामों को सॉल्व किया। महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, इस बात की हमें खुशी है। जो महिलाएं वर्षों से अपने प्रॉब्लम्स को दबाए हुए थी, वो आंकड़े भी सामने आए। इन 2.5-3 वर्षों में 9000 के करीब केसेस आए, जिनमें से हमने 97% सॉल्व किए। हर रोज़ छुटपुट आंकड़े बढ़ते रहेंगे, हम उनको सॉल्व करते रहेंगे, परंतु लोगों में जागरूकता आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द दिस अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। एज यू बीन टेलिंग अस दैट यू बीन एज एन मीडिया इंडस्ट्रीज फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम 1992 राइट, एंड यू बीन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज एंड मूवीज एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट राइट। And what about the cases that have been fake and obligated from the women society? Yes, that's a very nice question. जब जब भी हमारे पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें महिलाओं ने अपनी शिकायत रखी, परंतु महिला आयोग पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी से केसेस करता है, दोनों पक्षों को बुलाता है, आमने सामने बात करता है, और अगर हमारे पास 100 केसेस आए हैं तो उनमें 5 फेक भी निकले हैं, और उन फेक केसेस पर वही कार्रवाई हुई है जो एक पुरुष पे बनती है उसकी गलती पर। 182 जो महिलाओं के खिलाफ बननी चाहिए थी उन केसेस को लेकर, जिनमें हनी ट्रैपिंग भी थी, जिनमें बदनाम करने की साजिश भी थी, जिनमें पैसा ऐंठने की छोड़ने के नाम पर थी, तो इन केसेस के हमने खिलाफ भी काम किया। सो आई फील प्राउड टू से दैट वी नेवर डू पार्शियलिटी टू वुमेन इफ दे आर रॉन्ग। आई थिंक सोसाइटी इज इक्वल, मेन एंड वुमेन आर इक्वल, सो वी शुड गिव इक्वल आंसर एंड इक्वल यू नो रिजल्ट टू बोथ द केसेस। मैम, एज यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द इक्वालिटी ऑफ दिस सोसाइटी, लाइक मेन एंड वुमेन आर इक्वल राइट, एज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस, बट व्हाट अबाउट दोस सोसाइटीज दैट हैव बीन ह्यूमिलिएटिंग मेन and after the women created all those fake news? We have already worked on that. We don't let women do fake kaam. We catch those women also who have done fake kaam with the proofs. Whenever we get proofs from men, we do all that. Ma'am, aapne paardarshita ki baat ki thi abhi ki puri partiality nahi hogi, pura open cases honge, but abhi aapne apne report mein abhi yahan pe aapne shuruaat mein hi cheez kaha कि अगर इस तरह के कोई भी केसेस जो हैं वो मेंस के अगेंस्ट आते हैं तो हम बिना किसी सुनवाई के उसके खिलाफ चार्ज लेंगे। इफ दैट पर्सन बिना सुनवाई के नहीं evicted, आपने नहीं बात समझी, बिना सुनवाई के नहीं। ये मैंने स्कूल्स के ऊपर बोला था कि अगर इस तरह का कोई केस आता है तो हम उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी से पहले भी एक्शन ले लेंगे। जैसे पलवल का केस आपके सामने एग्जाम्पल है, हमने उस पर कार्रवाई की, औरतों की शिकायत लिखित ऑडियो वीडियो दर्ज की, परंतु उन्होंने बहाना बनाया कि डिपार्टमेंटल करेंगे। अरे डिपार्टमेंटल तो 6 महीने से रुकी हुई थी, क्यों नहीं करी टाइम पे? इसीलिए तो वुमेन कमीशन ने इंटरवेन किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की, ये मैंने बोला।